श्री गंगेश्वरलाल श्रीवास्तव उर्फ संजू, जो कि 5 लाख सदस्यों वालों फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉयज के ट्रेजरर और साथ ही एशिया के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन जिसमें 45,000 से भी अधिक कामगार मेंबर हैं, फिल्म स्टूडियो सेटिंग अलाइड मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके साथ ही इनकी शॉर्ट स्टोरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सन 2007 में अलाइड मजदूर यूनियन का वाइस चेयरमैन बनने के बाद श्री गंगेश्वरलाल श्रीवास्तव संजू, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के सेटिंग और शूटिंग वर्करों के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। सेट पर वर्करों की तकलीफों को निर्माता तथा निर्देशकों द्वारा नज़रअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन गंगेश्वरलाल श्रीवास्तव जी ने वर्करों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें भी बराबरी का हक दिलाने के प्रयास में लगे हुए हैं। पहले जहां सेटिंग वर्करों के सेट पर खाना भी नहीं दिया जाता था और उनके लिए सुरक्षा और जरूरी सुविधाओं की अभाव था, लेकिन आज संजू जी के कठिन संघर्ष के बदौलत सेटिंग वर्करों को सेट पर खाना तमाम जरूरी सहूलियत मिल रही। इतना ही नहीं, वर्करों के मेहनताने में भी बढ़ोतरी प्रोड्यूसरों द्वारा की गई है। दुर्घटना में घायल हुए या फिर जान गंवाने वाले वर्करों के परिवार वालों को अब तक करोड़ों रुपए का मुआवजा भी दिलाया है। देहांत हुए वर्करों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई और जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। सन 2013 से श्री संजू श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में जब से यूनियन की नई कमेटी ने कार्यभार संभाला है, तब से मेंबर को मेडिकल सहायता, बच्चों की शिक्षा, लड़कियों की शादी एवं रिटायरमेंट के रूप में हर साल 5 से 6 करोड़ रुपए की मदद दी जाती है। फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन के पूर्व चेयरमैन अभिनेता श्री मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ इन्होंने सालों तक काम किया है। अब इस यूनियन के चेयरमैन बीजेपी के डैशिंग आमदार कहे जाने वाले राम कदम जी हैं और इनके साथ भी मिलकर श्री संजू जी ने अपने कामगार मेंबरों के हित के लिए जी जान से लगे हुए हैं। इनको विरोधियों के भी भारी मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा, झूठे मुकदमों में फंसाना, गलत इल्जाम लगाना और अपने हक के लिए जब भी वर्करों के साथ खड़े हुए इन पर लाठीचार्ज करवाया गया। काफ़ी विरोध झेलने के बावजूद भी इनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि ये अपने वर्कर भाइयों की एकता को सर्वोपरि मानते हैं। अगर एकता में बल है और सही हाथों में नेतृत्व की बागडोर है तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों भी बौनी हो जाती है। मुंबई फिल्म फेडरेशन के पदभार संभालने के बाद सबसे पहले कार इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बिखरे हुए कई क्राफ्ट्स और संगठनों को फिर से एक साथ खड़ा किया और सबको एक साथ मिलाकर एक दूसरे का सहयोग करने का आह्वान किया है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था, शक्ति जनित मंच और अन्य समाज सेवी संगठनों के माध्यम से गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा, लड़कियों की शादी तथा गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए हर साल करोड़ों रुपए का वेलफेयर करते हैं। समाचार पत्र शक्ति जनित मंच के माध्यम से अपनी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने और समाज हित की आवाज़ उठाने के लिए श्री गंगेश्वर लाल उर्फ संजू जी ने कलम को भी अपना शस्त्र बनाया है व निष्पक्ष पत्रकारिता का मिसाल कायम की है। आगे भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े वर्करों के हक के लिए और समाज हित के लिए श्री गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव उर्फ संजू जी के संघर्ष का सिलसिला जारी है।